잠깐. 미안, 쿠션. सारी अब बाहर ही निकल रही है। लूना, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने कुल देवता से मिलने, और हमारे हिमाचल में ऐसा होता है कि जब तक हम अपनी कुल देवता से नहीं मिलते हैं तब तक हम कहीं भी कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो आज मौसम थोड़ा मतलब ठीक है कल के मुताबिक, कल तो बहुत बारिश हुई, इसलिए हम लोग आज मतलब इस सुहाने मौसम में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ना काफ़ी पैदल चलने को है, एक डेढ़ घंटे का ट्रैक करने को है, तो जा रहे हैं। और मुझे ना मैंने ना जुतियाँ ली हुई थी, तो मेरे को ना अभी शूज़ ख़रीदने पड़ेंगे क्योंकि इसमें तो मैं नहीं चढ़ पाऊँगी। और साथ में ना सतीश ने पता नहीं ये कहाँ छोड़ने हैं, आ गया वो गाड़ी लेके। अब ना मैं इसको ही बोलूँगी, तू ही रख, इनको चढ़ाओ पहले, मैं नहीं डालूँगी, तो जाने दे। ये ना मेरी पर्सनैलिटी डाउन करवा रहा है सारी। सच बता, कहाँ तक ले जाने? मैं ना ऊपर तो नहीं ले जाऊँगी, सीधी सी बात है। ठीक है, बाय। मैं जा रहा हूँ। सतीश आइए मैम, स्वागत है आपका। भी आप पीछे रख दो तो। बिल्कुल मैम। तो गाइस, मैं कैसा लग रहा हूँ शादी के बाद? एकदम जेंटलमैन लग रहा हूँ ना। ये जेंटलमैन, इस जेंटलमैन को जेंटलमैन ना मैं बनाती हूँ, वरना आज भी लग गया था बोलने कि मैं लोअर्स पहन के चले जाऊं क्या। देखिए, ये हमारे घर से मेन रोड तक का रास्ता है, थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का। हम आपको आज अपनी नानी से मिलाएंगे। हाँ। जो मतलब बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं, 100 प्लस। हाँ, तो हम उनसे मिलाएंगे। हमने बहुत पहले से सोचा था कि हम उसका स्पेशल व्लॉग बनाएंगे जब हम वहाँ जाएंगे, लेकिन चलो व्लॉग तो क्या, पर वो रियलिटी हो गई, उसके पीछे हम फिर व्लॉग बना ही लेंगे, तो हम आपको मिलाएंगे उनसे। सुबह इसको ना कब से बोल रही हूँ सुबह इसको कि जल्दी निकलते, फिर धूप लगेगी और फिर हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और अब इसको जमाने लग रही है, उस पर जाले भी छाए ताकि ओले उनको फूलों को ना नुकसान पहुँचाए। इसमें धारियाँ होती है ना, ब्राग लगता है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा सफ़र। ये हमारे देवते के पुजारी मतलब गूर का घर है, पुजारी नहीं बोल सकते। और यहाँ से अब हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है, और सतीश ने मेरा बैग डाल दिया। वाओ बेबी, ये ज़बरदस्ती दिया हुआ है, तभी तो ये ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। सर बोतल भी उठा लो प्लीज़। हाँ, यही बोलने वाली थी मैं इसके बाद। या एग्जैक्टली, मुझे ना लग वैली सीरियसली दिल से बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को, मतलब हिमाचल में लोग मनाली कुल्लू घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खासकर मनाली मणिकर्ण वाला कसौल वाला, लेकिन सबसे ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी अगर आपको कहीं मिलेगी ना, तो वो आपको लग वैली में मिलेगी, बिल्कुल नेचुरल। सामने देखो कितना सुंदर है ये, देखो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी, लग वैली से हूँ मैं। अच्छा जोक था। तो गाइस, यहाँ से ना हमारे को अराउंड 1 से 2 घंटे लगने वाले हैं मंजू के साथ। अगर मैं अकेला चलता हूँ तो मुझे 1 घंटा लग जाता है, पर मंजू के साथ मुझे लगता है 2 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। और जो ये सामने बर्फ का पहाड़ है ना, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, देखो बिल्कुल सेंटर में, पर लैंडस्केप बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। मंजू पता आप क्या कर रही है? जल्दी जल्दी जा रही है ना, जल्दी जल्दी जा रही है, और आगे जाके बैठ जा रही है रेस्ट करने। इसको लग रहा है इस तरह से ज़्यादा ईजी होगा चलना। क्या गाइस, यहाँ से कम 2 मिनट भी नहीं चले हैं और ये पूछ रही कितना रह गया। मुझे ना ऐसे लगता है कि मैं बहुत पुराने वाले टाइम में पहुंच गई हूँ, जब सब जगह हरियाली हरियाली होती है। यहाँ पे हर जगह हरियाली है,
सिर्फ थोड़ा चलने में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि आदत नहीं है। वैसे बहुत शांति है, बहुत शांति, नदी की आवाज़ भी आ रही है पता है यहाँ तक। कभी आप लोगों को आना होगा ना तो अकेले आना, अपनी लाड़ी के साथ मत आना, नहीं तो ऐसे बोझ चकने पड़ेंगे और इनके नखरे झेलने पड़ेंगे। कितना रह गया? क्या बोल रही है? कितना रह गया? वहाँ जाना है उस गांव में? हाँ मेरी कसम। हाँ हाँ सच में वो है? वो वाला नहीं, इस साइड है, इस साइड। वो तो जिंदी है, वो मेरा गांव। तो जिंदी नहीं जाना हमने? नहीं। तो कहाँ जाना है? हमने जाना है फलान। अरे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है और सामने मैं कितनी अच्छी। ओहो हाँ आप भी अच्छी लग रही हो। वैसे ऐसे ही बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ना ऐसे ऐसे विश्राम स्थल बनाया गया होता है। ये देखिए जब कोई मरता है ना तो उनके याद में ये ऐसे ऐसे स्पॉट बनाए जाते हैं जहाँ पे कि रेस्ट कर सकते हैं लोग। तो आ जाओ रेस्ट करते हैं। पता है मेरी बेबी को ना मेरी बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। मैंने इसको पहले ही बोला कि मैं जूतियों में नहीं चल सकती हूँ, बट इसका ना इतना सा ध्यान नहीं होता मेरी तरफ कि यार ये बेचारी इतना मतलब ट्राई कैसे करेगी जूतियों में, यहाँ देखे ऐसे लाल लाल निशान पड़ गए। बट चल तुझे क्या। ये है अखरोट की पत्तियाँ, ये है अखरोट का पेड़। पेड़ तो नहीं है, सॉरी सॉरी गाइस, ये है अखरोट के पेड़ के पत्ते। इससे ना हम दांत साफ कर सकते हैं और इसके साथ एक चीज़ हमारे को बाय वन गेट वन फ्री मिलती है, जब हम अपने दांत साफ करते हैं ना तो होंठ भी लाल हो जाते हैं। तो ये मंजू को, मंजू ने ना ब्रश नहीं किया है पूरे शादी जब से लगी है इसकी 10 दिन से। तो अपनी स्टोरी मुझे तो मुझसे मत। इसलिए हमने मंजू के लिए एक स्टिक तोड़ी है। ये है घना डरावना रास्ता जो कि बहुत सुंदर भी लग रहा है। देखिए कितना नीचे से आए हम यहाँ, देखिए और खाई देखो यहाँ से गुस्से से देखो इधर सामने देखो पूरी हरियाली के बीच में एक लाल रंग का पेड़ है। यार गाइस मंजू ने ना लगवेली में जो डायनासोर एक ट्रैक है, 3 दिन का ट्रैक है वो आने जाने के समय, वो कंप्लीट किया हुआ है और आज इसको 1 घंटे का ट्रैक करने में भी दिक्कत आ रही है। 2 घंटे का ट्रैक करने में नकचीड़ी बन गई है ना ये, पता नहीं कौन सा वर्ड है वो, समझ नहीं आ रहा जो मैं इसको दूँ उस वक्त। ऐसे नखरे मार रही है क्योंकि हस्बैंड साथ में है ना, तो वाइफ तो नखरे करती है। चलो साथ काफी देर चलने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने देवता के मंदिर में, फलानी नारायण जी के मंदिर में। मंदिर में नहीं पहुंचे, मतलब मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए ऑलमोस्ट। और ये देखिए इतनी ऊपर आ गए हम। हाँ बहुत ऊपर आया। तो अभी आपको मंदिर दिखाते हैं, हम माथा वगैरह टेकेंगे और आपको भी दर्शन करवाते हैं। जानता हूँ आपको वहां होता था मैं फर्म के साथ मुंशी। अच्छा अच्छा तो सीटी ध्यान से गड्डी नहीं सोगा थी। तो ठीक से ना आपके मम्मी पापा ठीक है? अच्छा अच्छा तो खे वाले ना फिलहाल वही होते हैं। हां जी आजकल तो मम्मी पापा भी गए भजौन ना मंडी वाले। हां हां अच्छा भजौन गए। अच्छा अच्छा काम लगाया हुआ। अच्छा अच्छा चलिए चलो चलो कोई नहीं भाई। आशीर्वाद देवरा खूब लोड़ी राजी मोदी वास्ते खेल लोड़ी रहा है एंड देवता तेरे क्या नाम खानी जाती रही जो दड़ेल सी ना आप लोग बन गए दड़ेल। हाँ दड़ेल खानदान खानदान
चौथी मंजिल भी जाए, आप ऊपर भी जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, जाना तय पे जब देवरे दूर। हाँ जी हाँ जी, हाँ एंड देते हैं। तो हमने यहाँ पर माथा टेक लिया है, यहाँ पर खोज भाई लगे हुए हैं। हेलो, दुलाई में यहाँ देखिए मधुमक्खियाँ, कितने सारी मधुमक्खियाँ, बस खाए ना मुझे। तू तो ऐसे जा रही जैसे तुझे सारा रास्ता पता है। अच्छा, तो अभी मैं 2 साल बाद शायद या 1.5 साल बाद में अपने नानी जी से मिलूँगा। कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, अब उनको याद भी नहीं रहता है, 100+ हो चुके हैं वो, मुझे नहीं पता, बट 104-105 इसके आसपास होंगे उनकी एज। बट अभी भी चलते हैं वो, बट उनको याद नहीं रहता कि कौन है, अपनी बेटी का तक भी याद नहीं रहता। समटाइम आ जाता है याद, कई बार तो भूल भी जाते हैं, तो मुझे तो भूल ही गए होंगे ऑलमोस्ट, ऐसा मुझे लगता है। बट चलो देखते हैं नानी मुझे पहचान पाएगी कि नहीं। ये मंजुना मुझे आज भी डांटती है पुराने घर को देख के, मतलब यहाँ के पुराने घर देख रही है ना, तो आज भी मतलब इतना डांटते हैं ना, 2-3 साल से लेकर दिमाग खराब कर दिया। एक्चुअली पुराना घर थोड़ा रेनोवेट किया था, थोड़ा तोड़ा हुआ है आधा ना, तो इसको गुस्सा आ रहा है कि क्यों तोड़ा है तूने, तो कहीं और जगह बना लेते दूसरा घर। तो ये है नानी जी का घर, यहाँ पर भाभी जी है, वो नानी जी है ऊपर, वो पहचान लिया मेरे को। चंदमणि जी नमस्ते, नमस्ते। चंद बंदे बढ़िया ही यारा, चानु चानु नीडे तो सर दत्रू कोरा शमशीरा शमशीरा। हाँ वो यार तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कसम से नहीं ना, चानी दे बे जो भूई हुई रही है बे, नहीं चानी दे। नमस्कार जी चंद दत्रू ने। हाँ नमस्ते, कौन सा हूँ नानी जी यार इतने ओल्ड हो चुके हैं, देखो 100+ हो गई इनकी एज और अभी भी बोल बहुत अच्छे से रहे हैं। तो श्री शोरी कौन है? पता नहीं। तो श्री शोर कौन? शोर कौन है? कौन? नानी जी अभी अपने घर के परिवार वालों को ही जानते हैं, तो बाकी सब भूल चुके हैं नानी जी कौन कहाँ से क्या है। तो बहुत क्यूट नानी है मेरी, देखो अब से 4 साल पहले तक तो अच्छे से पहचानते थे मेरे को सबको, बट अभी तो बहुत ज्यादा ओल्ड होने की वजह से सब कुछ भूल चुके हैं। एंड बोला हाय करा, एंड करा हाय, एंड करा, एंड करे वो हाय बोला। अरे यार बातें तो सही कर रही है ना, बस याददाश्त चली गई है और बाकी बातें अच्छे से कर रहे, चल भी अच्छे से रहे हैं। पर मतलब हम तो इस एज में आके पता नहीं कहाँ होंगे, दूसरा जन्म भी हो जाएगा हमारा। बट तो ये तो अभी भी बिल्कुल ये बोल रहे इस वक्त कि मैं अभी पगला गई हूँ, मतलब होश उड़ गई है मेरी, ऐसा बता रहे हैं, दिखाई भी नहीं देता बोला मुझे, ऐसा कुछ बता रहे हैं। ये देखिए नानी जी का टैटू, अपने जवानी में नानी जी ने टैटू बनाया हुआ था। ए कदी बनाया तू सौखला? ए बुढ़िया गम बनाया। कुनी बनाया थी?
तो नानी जी बोल रहे मुझे प्यार है अभी प्यार है मिठाई तू सुबह जी में मिठाई तू सुबह जी में मिठाई कौन से ले चक्का ब्यारी खुशी तो अभी हमने नानी जी को अपनी शादी की खुशी में मिठाई खिलवाई है ओ यार बहुत प्यारी है मेरी नानी जी डेढ़ साल बाद मिल रहा हूँ कैंडी हा खरी हा ठीक है ना मम्मी की तरह शक्कर है यार जानते हैं कि उस बार सब चीज़ तो सब चीज़ ने पता लार थी ये बनी तो आज नानी जी मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं मतलब आज से 4-5 साल पहले जब आते थे मुझे मतलब बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे नानी जी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते थे और आज ये दिन है कि वो मुझे पहचान भी नहीं पा रहे मुझे खाने के लिए लाते थे मुझे पैसे देते थे मतलब बहुत याद है नानी जी के साथ और आज देखो आप मतलब बुरा लग रहा है कि आज ये दिन भी आ गया कि याद भी नहीं है हमें और नानी जी को ना चाय बहुत पसंद हुआ करती थी तो नानी जी दिन में 3 या 4 बार चाय पीते थे तो मैं उनके लिए चाय भी बनाता रहता था तो ऐसे ऐसे है देखिए नानी जी तो गाइस अभी हम आए हैं माता के पास यहाँ पे भी हम अपना माथा टेकेंगे और इनका आशीर्वाद लेंगे तो ये है लोहड़ी आचरी माता ये उनका मंदिर है और वैसे मैं आपको बताऊँ तो ये मेरी मम्मी जी का गांव है यहाँ पर उनका जन्म हुआ था जहाँ नानी थी उस घर में मेरी मम्मी जी का जन्म हुआ था और यहाँ पर एक सूचना है बीड़ी सिगरेट व चमड़ी की वस्तुएं लाना सख्त मना है यहाँ पर तो गाइस हम लोगों ने अभी अपनी देवी देवताओं के दर्शन कर लिए हैं और बहुत ही ज्यादा आनंद देखो मतलब कितना आपको कोई शोर सुनाई दे रहा है इतने घर है यहाँ पे ना बट इतनी ज्यादा कामनेस है इतनी ज्यादा पीसफुल प्लेस है बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है मतलब ऐसे ना पता ना वो रिलैक्सेशन की वजह से जो नींद आती है ना वो आ रही है इस टाइम बहुत मजा आ रहा है तो इसलिए यहाँ के लोग बहुत enjoy सही बात है कि नहीं डिप्रेशन ऐसी चीजें ऐसी चीजें नहीं होती गांव में वही तो फोटो खींचना फोटो बारा खींचना बाय बाय तो गाइस फाइनली हमारा सफर खत्म हुआ सफर अभी शुरू हुआ देवी देवता के दर्शन करके हम वापस आ चुके हैं और काफ़ी देर हम बैठे भी मामी के पास नानी के पास और गांव वाला जो फील था ना उसको फील करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया और पता नहीं क्यों हम मुझे ना ऐसा यकीन ही नहीं होता कि हम लोगों ने शादी कर ली हमें लगता है कि हम जैसे घूमते रहते थे पहले भी ब्लॉगिंग के लिए हम वैसे ही घूम रहे हैं ये बस ये लाइन मारी जा रही है एक हफ्ते से कि मुझे यकीन नहीं हो रहा हमारी शादी होगी मैं लगता है जब तक इसका नाम राशन कार्ड पे नहीं चढ़ेगा ना तब तक इसको यकीन नहीं होगा कि
शादी हो गई हमारी। और बाकी आज के दिन मुझे नानी से मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हाँ मतलब बहुत इमोशनल भी हो गया था सिद्धीश, पता है कि नानी को याद नहीं आ रहा यार, कितना ट्राई कर रहा था, कितनी कोशिश कर रहा था याद दिलाने की, फोटो के एल्बम लेके ये कौन है ये कौन है ये कौन है, इतनी बार बोल दिया उन्होंने कि मैं आपका मतलब वो हूँ धोता हूँ, तो उनको वो फिर भी हाँ हाँ कर रहे, बट उन्हें याद नहीं है, वो जस्ट अपनी एक होता है ना वो करने के लिए हाँ 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 किए जा रहे बेचारा।